हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए स्कर्ट में पॉकेट लगाना बताऊंगी। तो ये मैंने स्कर्ट की कटिंग कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकती हैं। ये जो कपड़ा मैंने कट किया है, देखिए ये चार फोल्ड में है, यानी कि टू लेयर में मैंने घेरे की कटिंग किया है। और ये इसका बेल्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने अलग से कपड़ा लिया है पॉकेट कटिंग करने के लिए। अगर इसी में से आपका बचा हुआ कपड़ा हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं बचा है तो आप अलग से भी कपड़ा ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ये अलग से कपड़ा लिया है वाइट कलर का, ये शॉर्ट में से बचा हुआ कपड़ा है। या फिर अगर आपके पास अलग कलर का भी कपड़ा हो, सेम कलर का ना हो, तो आप यहाँ पर थोड़ा अलग कलर का भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम कपड़े को ऐसे टू फोल्ड कर लेंगे पॉकेट की कटिंग करने के लिए। और इसकी जो टोटल लंबाई है, देखिए लगभग हम यहाँ से 12 इंच कपड़ा रखेंगे। अगर 12 साइज हो तो आप यहाँ से 13-14 इंच भी ले सकते हैं। देखिए ये लगभग 7 साल की लड़की का है, 7-8 साल की। तब मैंने यहाँ पे 12 इंच लिया है। और देखिए यहीं से पहले कटिंग कर लेती हूँ कपड़े को, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने यहाँ से कट करके निकाल दिया है, देख सकते हैं। और फिर से इस कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे। और उसके बाद इसकी जो चौलाई है, देखिए यहाँ से मैं 6 इंच रखूँगी। अगर इससे बड़ा साइज हो तो आप यहाँ पे सारे 6 इंच भी ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे पहले 1 इंच पे निशान लगाएंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से देखिए जितना आपको पॉकेट ओपन रखना है उतना पे निशान लगाना है। तो मुझे देखिए यहाँ पे 4.5 इंच खुला रखना है पॉकेट, तो 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आप यहाँ पे 5 इंच भी ले सकते हैं अगर बड़ा साइज हो तो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे थैले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे थैला मैं 5 इंच रखूँगी, यानी कि थैले की जो लंबाई है मैंने 5 इंच लिया है, और 1/2 इंच यहाँ पे मैंने सिलाई के लिए लिया है, देख सकते हैं। अगर टोटल यहाँ से देखा जाए तो देखिए टोटल जो पॉकेट की लंबाई है मैंने 11 इंच लिया है। यहीं से ऐसे सीधा कर लेंगे, और इसको भी यहाँ से देखिए सीधा कर लेती हूँ। और इधर से ये जितना चौलाई है इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे, देख सकते हैं ये पूरा मार्किंग हो गया। अब देखिए नीचे से यहाँ से ऐसे गोलाई के साथ कटिंग करेंगे। अगर चौकोर रखना है तो आप चौकोर भी रख सकते हैं। और इधर से देखिए बिल्कुल इस प्रकार ऐसे लाते हुए यहाँ पे मिला देंगे, यानी कि बिल्कुल देखिए इसी मार्क पे हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए जितना ये खुला रखना है यहाँ पे कट लगा लेती हूँ, ताकि ये निशान दोनों तरफ बन जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पॉकेट की कटिंग कर लिया है। अब देखिए हम स्कर्ट की घेरे को लेंगे और पॉकेट को इसमें ज्वाइन करेंगे। तो बिल्कुल देखिए घेरे को मैंने 2 पार्ट में कटिंग किया है। तो इसमें से पहले मैंने 1 पार्ट को लिया है और बिल्कुल इस प्रकार रख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे उल्टे साइड ऊपर करते हुए रखा है। और उसके बाद देखिए दूसरे पार्ट का जो उल्टा साइड है ऐसे नीचे करते हुए रखेंगे, यानी कि दोनों का उल्टा साइड मैंने नीचे करते हुए रखा है, और सीधा साइड देखिए ये ऊपर की तरफ मैंने किया है। अब देखिए यहाँ पे मुझे फ्रिल बनाना है, यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्रिल बनेगा, तो इसी साइड में हम पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपको पॉकेट राइट साइड में लगाना है कि लेफ्ट साइड में लगाना है। तो अगर लेफ्ट साइड में लगाना हो तो इस साइड में लगाइएगा, और राइट साइड में लगाना हो तो यहाँ पे आप लगाइएगा। तो मुझे देखिए यहाँ पे राइट साइड में ही पॉकेट लगाना है, तो मैं इसी साइड में निशान लगाऊंगी। तो पहला निशान देखिए हम यहाँ पे ऐसे 1.5 इंच पे लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ से 4.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 4.5 इंच मुझे ओपन रखना है पॉकेट। अगर 5 इंच आपको रखना हो तो 5 इंच पे लगाइएगा। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ऐसे कट लगा लेंगे, ताकि ये निशान दोनों तरफ बन जाए, देख सकते हैं। कट लगाने के बाद हम पॉकेट वाले पार्ट को लेंगे और बिल्कुल यहीं पे इसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए तो ज्वाइंट करने से पहले आप समझ लीजिए, देखिए अगर आपने पॉकेट अलग कलर का लिया है, यानी कि सेम कलर का आपका कपड़ा नहीं है, तो बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे ऐसे 2 इंच चौली आप पट्टी पहले ज्वाइंट कर दीजिएगा दोनों के ऊपर, देख सकते हैं ऐसे। तो ये मैंने सेम कलर का कपड़ा लिया है, तो मैं यहाँ पे देखिए नहीं लगाऊंगी इसको, मैं ऐसे ही ज्वाइंट कर लूँगी। तो बिल्कुल इस प्रकार देखिए पॉकेट वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, यानी कि दोनों का कट बिल्कुल ऐसे मैच करते हुए रखेंगे। और देखिए इस कट के पास से यहाँ तक हम ऐसे सिलाई करेंगे, देखिए दूसरे कट के पास तक बिल्कुल ऐसे सीधे में सिलाई करना है, देख सकते हैं ऐसे सीधे में लगभग 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, बिल्कुल निशान के ऊपर ही सिलाई कर लूँगी। देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे कट लगा लेंगे, बिल्कुल सिलाई के पास तक आपको कट कर देना है, और ध्यान रहे सिलाई न कटे। और उसके बाद देखिए इसको इस प्रकार अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे। देखिए फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ऐसे ऊपर से किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे,
तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिलाई कर लिया है। ये उल्टे साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ये ज्वाइंट हो गया है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे पॉकेट के दूसरे पार्ट को लेंगे और बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे ये ज्वाइंट हो जाएगा और सीधे साइड से बिल्कुल इस प्रकार दिखेगा। तो इसको ज्वाइंट करने के लिए देखिए इसी प्रकार आप रखते हुए अगर सिलाई करते हैं तो ये सिलाई ऊपर से दिखने लगेगा। तो देखिए इसको अंदर से सिलाई करने के लिए ऐसे पलट लेंगे, देख सकते हैं ऐसे, और पलटते हुए देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए हम अंदर से सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ तक ऐसे सिलाई करने के बाद मशीन को नीचे उतार लेंगे और यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा ऐसे कट लगा लेंगे और उसके बाद ऐसे हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे। देखिए ऐसे सीधा करने के बाद पॉकेट के ऊपर ऐसे किनारे किनारे सिलाई करेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। अब सिलाई करने के बाद देखिए ऐसे सीधे साइड से देखिए ऐसे इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे ताकि ये यहीं पे फिक्स हो जाए और इधर उधर ना घस के। और उसी प्रकार देखिए यहाँ ऊपर के साइड में भी सिलाई करेंगे। देखिए इस प्रकार सिलाई करने के बाद हम स्कर्ट के दूसरे पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। देखिए सीधे साइड में ऐसे रखते हुए देख सकते हैं पूरे में सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे पॉकेट के पास सिलाई करते समय आपको ध्यान देना है कि देखिए ये जो पॉकेट वाला कपड़ा है सिलाई से ना दबे। तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पकड़ते हुए बिल्कुल ऐसे पॉकेट के नीचे नीचे सिलाई करना है। तो देख सकते हैं ये मैंने सिलाई कर लिया है और सीधे साइड से भी देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे पॉकेट हमारा ओपन है, यानी कि बिल्कुल इसी प्रकार आपको सिलाई कर लेना है। और सिलाई करने के बाद देखिए ये जो मार्जिन है यानी कि नीचे वाला जो सिलाई मार्जिन है उसको पॉकेट के दूसरे साइड में करना है ऐसे, और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। देखिए सिलाई करने के बाद बिल्कुल इस प्रकार ये पॉकेट तैयार हो गया है और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आई है और ये बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये देख सकते हैं अगर यहाँ पे हम फ्रिल बना देते हैं स्कर्ट में तो ये पूरी तरीके से फ्रिल से छुप जाता है। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।